एगो गाना है पर बड़ा बवाल भइल बा। अच्छा एक बात बताइए, एक गाना आया है थोड़े यानी पांच पहले करें, पांच खाली ओकर बाद फिर तीन बजे एगो गाना भी आइल बा, ओय पर बड़ा चर्चा चलता हो गाना पे, आखिर काहे चलता। एक बेचारा गरीब परिवार का लड़का चंदन चंचल एक गाना गाता है कि दिखाएं तनिक पतिया पांच बार कि पतिया नदिया पटनाबा कि पतिया नदिया पटनाबा कि देवा दा 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 दा। मैं बोलूंगा नहीं, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। मनीष कश्यप जी ने इस बात को बोला कि जब तीन साल चार साल अगर कोई कलाकार गा लेता है गाना, अच्छा गीत परोसता है मार्केट में, आज जब वो गाना नहीं बजता है, नहीं बजने के कारण उसके गांव के मुझे भी वो लोग बोलते थे कि धनंजय भाई आपका गाना कब बजेगा मार्केट में, आज भी मेरा गाना नहीं बजता है मार्केट में। आप लोगों का प्यार एक स्टेज के माध्यम से मैं आज आप सबों के समक्ष खड़ा हूँ। स्टेज के माध्यम से मुझे पब्लिक जानती, मेरा कोई गाना नहीं बजा है, जो गाना बजा मेरा वो भी गाना मेरा चोरी हो गया। तो मनीष कश्यप ने बोला कि तीन साल चार साल कलाकार कोई गाता है गाना, गाने के बाद जब अच्छा हिट गाना नहीं होता, अच्छा गाना अब देख ली, जब चंदन चंचल के तीन साल के बाद गाने लगे देवरा ढोड़ी चटना बा मार्केट में बाजता, मनीष भैया ने बोला एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक शादी में गया था, उस शादी में पूरे परिवार के लोग आके वहां पे और उसके फैमिली के पूरे लोग नाच रहे थे, औरत उसकी बेटी जितने लोग थे। तो मीडिया वाले को सबसे पहले किसके यहाँ जाना चाहिए, गायक के पास जाना चाहिए या जो गाना बजा रहा है उसके पास जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? जहाँ डीजे पे गाना बजा रहा उसके पास जाना चाहिए ना। हाँ, मीडिया वाले भाई से निवेदन है, कुछ ऐसे कुछ मीडिया वाले हैं, सभी मीडिया वाले तो ऐसा नहीं है, बनना है तो मनीष कश्यप जैसा बनिए। एक बेटी का रेप हुआ है अभी झारखंड में, आप उनका जाकर के न्यूज बनाइए ना कि आप ऐसे ऐसे गानों को जब आप ही लोग बढ़ावा देंगे तो गाना मार्केट में बजेगा। सही बात है। तम कानिया की पतिया नदिया पटनाबा, अरे पतिया नदिया पटनाबा की देवरा होठ जटनाबा। एकरा के गाइब लेकिन अभी ना आप लोग की फरमाइश है तब तक आओ मुझे दिल की माइक लगा दो। की नबजिया बैत क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, दिल को तेरी बीमारी है। इस बिहार के बेटी के लिए पर जोरदार ताली हो। हम आओ बिहार है लेकिन हमारे बॉर्डर पे घर बार, जानते हैं सलोनी जी मुझे सबसे ज्यादा यूपी ने मुझे प्यार दिया है, बिहार ने जितना दिया उतना यूपी ने भी दिया है। कि नबजिया कभी कफ रोग बदलावे, कभी तासीर कभी जिगर का हाल तू में जा, और ये जाने अनाड़ी है जिगर का हाल तू मेरा, और ये जाने अनाड़ी है, हो मुझे दिल की बीमारी है। सलोनी जी, उजाला इंटरटेनमेंट बड़े भैया ब्रजेश भैया की तरफ से एक प्यारा सा पुरस्कार 1001 रुपया
सागर फिल्म से 1001 रुपए का पुरस्कार भैया को दिल से प्रणाम। ज्योतिषो भाई की तरफ से कुछ आई लेकिन हम बोलते हैं ना पूजा समारोह श्री रामलीला सेवा समिति अखाड़ा नंबर 2 आपका हार्दिक अभिनंदन करती और करती रहेगी। इस साल के भांति अगले साल भी शायद हम ही लोग आएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो दिल से अभिनंदन है, इतने 3 लोग आप लोग मेहनत करके प्रोग्राम करवा रहे हैं। असर करती नहीं कोई तब हकीमिया करती हो असद करती नहीं कोई तब हकीमिया बेकदारी है। मुझे बाउसिर के बीमारी है, तारा बाउसी न तरह टीवी के बीमारी बात। हाँ हो मुझे दिल की बीमारी स्टूडियो की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार भैया को एक से लगे। दुर्गा जनरल स्टोर सिनेमा रोड भरनी 200 रुपया आदरणीय बड़े भाई संजय गुप्ता जी के तरफ से प्यारा सा पुरस्कार लभे भाई को। गीत का लास्ट लाइन दशरथ चाचा जी गुड्डू भैया के अच्छा सोनू भैया कहाँ है बुलाई ना संतोष भाई राजेश चाचा जी के तरफ से लाल बिहारी भैया प्यारा सा पुरस्कार है। सोनू भैया से मैं निवेदन करूंगा यहाँ के सबसे अच्छे नाल प्लेयर भाई सोनू जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आ जाए प्लीज। कोई कलाकार अगर खड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता है। अगर दीदार को कोई मिलवा दे कोई मुझसे दिल की बीमारी है।
मुझे दिनाई की बीमारी है, मुझे खजवट की बीमारी है। बाबूजी के हमेशा पैंटे में हाथ रहता अंदर। ए महाराज ओ में दुगो सवाद मिलेला। कौन कौन हगुआला पे बुझाला कि हवाई जहाज में घूमा तनी अकेला ही। पानी छोड़ेला तब बुझाला कि कोनो सरवा ढकेल देल बा जहाज के नीचे जाता नी। काम नहीं खत कि मुझे दिल की बीमारी है। अरे भैया